इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उत्सव नाता संबंध प्रेम समभाव समविहार समबुद्धि समहृदय समभक्ति समसहजावस्था में करना चाहिए। रिश्ते नाते मित्रता संबंध बहुत ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, बड़े विघ्न हैं। इतना उत्पात है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना से परे स्थिति आ जाती है, जहां है वहीं सम सम। देवता सामद देखकर अनुराग में है। सामद मन दोनों महाराज की धी सम है। धर्म तत्व मनस्मृति धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। वो पुस्तक में लिखा है दशकम धर्म के जो लक्षण दस बताए श्री मनुजी महाराज ने, अरे पांच तो पालन होए। समधि सामद देख, कहने का भाव कि दोनों भरे हों अथवा दोनों कंगले हों। एक मांगने में बादशाहियत रखता हो, एक न देने में बादशाहियत रखता हो, तब समधि लेला लेला लेला। एक भाई अपनी बिटिया का ब्याह तय किए तो बोले मोटरसाइकिल देना है। मैंने कहा व्यवस्था कर लिए हैं? कह दिए हैं, देना जरूरी थोड़ी है। तो मैंने कहा आप तो जाएंगे नहीं, वहां तो बिटिया रानी जाएगी। तो बिटिया से पूछा जाएगा तब? बोले तब हम बंदूक लेके जाएंगे। हमने कहा बंदूकें बेच के मोटरसाइकिल खरीद दो, वो नौबते नहीं आवे। असत्य पर न चला जाए। देखो आप जीवन के जिस उत्सव में अग्नि केंद्र में हो वहां असत्य न बोला जाए। असत्य तो बोला ही न जाए, लेकिन जहां अग्नि केंद्र में हो वहां असत्य न बोला जाए, न रहा जाए, न किया जाए। भगवान झूठ में नहीं रहते, भगवान सत्य में रहते हैं। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, ये भगवान का स्वरूप है। चारों ओर बात आती है, सत्य सत्य ही बोलना है, असत्य बोलना नहीं, एकदम नहीं बोलना है, किसी स्थिति में नहीं बोलना है, किसी परिस्थिति में नहीं बोलना, चाहे सर्वस्व समाप्त हो जाए असत्य का साथ करना ही नहीं, रहना तो सत्य के संग में। इसी का नाम सत्संग है। देवता प्रशंसा करते हैं, हम आप नहीं करें देवता करेंगे, देवता करेंगे हो, देवता क्यों नहीं करेंगे? हम आप कोई भी देवताओं के लिए जो यजन करता है देवता उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं, परंतु जो भगवान के लिए भजन करता है भगवान उसको अपने भाव में समाहित कर ले। ऊर्ध्व गति है जगत का व्यवहार नहीं। अरे सामान की क्या गणना है जी, जगत के सामान की कोई गणना है? वंश की प्रशंसा हो रही है,
प्रशंसा जीवन की है, प्रशंसा त्याग और तप की है, विकारों की प्रशंसा नहीं है, सद्विचार की प्रशंसा। देखिए, सरकार मंडप में गुरुवासन लगा, गुरुदेव भगवान पधारे, चक्रवर्ती महाराज के समान समस्त बारातियों का मिथिलापति ने स्वागत किया है। बिटिया मंडप में पधारी हैं, मधुपर कादे विधि और वैदिक मंत्रों का सानिध्य निरंतर प्रवाहमान है। सुनैना मैया और जनकराज सरकार का मंगल दर्शन करके माँ भगवती का दिव्य दर्शन प्राप्त करके आंतरिक गदगद हैं। यह उत्सव भी अद्भुत और अलौकिक है साहब। जनकराज सोच रहे हैं, जिन चरणों से गंगा जी प्रकटी है, जिनका अमृत द्रव भगवान शिव के शीश में पधार रहा है, आज हमारा क्या सौभाग्य है, आज हम वही चरण पखार रहे हैं। क्या लीला है मेरे राघव की, दिव्य थाल रखी गई, कंचन कलश में माँ धेनुमति का जल भरा गया है। जनकराज सुनैना लागे पखार पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर
रामचल राज ने जैसे माँ भवानी के कर को भोले बाबा के कर में समर्पित किया था, समुद्र जी ने माँ श्री जी को श्रीहरि को समर्पित किया था, ठीक इसी प्रकार तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई कीर्ति व्याप्त हो गई। यज्ञ भगवान का वाहन हुआ, यज्ञ आहुति समर्पित की गई वर कन्या के कर से। करी होम विधिवत गांठ जोरी, विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भामरी। विदेह राज तो विदेह हो गए हो, कन्या का विवाह यज्ञ है और यज्ञ नारायण ही इस विवाह की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। कन्या के विवाह को यज्ञ नारायण भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित होकर संपन्न कराते हैं, जीव नहीं कर सकता। मैं कर रहा हूं ये मैं तो रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाथ पांव दिया है भगवान ने तो हम भी कुछ करते रहें। भगवान की कथा, भगवान का कार्य, भगवान की गौशाला, भगवान का श्री मंदिर, किसका अतो भगवान का, बिटिया का ब्याह, विद्यालय का निर्माण, संकल्प शुद्ध हो तो भगवान स्वयं सब सिद्ध कर देते। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। हमको आदर दियो, भगवान ने आदर दिया। यह मन में सदैव उतार कर रखी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।